प्रवक्ता निर्देश लेंगे वहाँ तक सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को एक बार फिर समन भेजा था, जिसके बाद अब जैकलिन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पटेल ईडी के हेडक्वार्टर पहुँचे है। वही वकील प्रशांत पटेल का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वकील ने कहा कि आज दोपहर 2:30 बजे तक ईडी की तरफ से मेल आएगा, जिसमें वो जैकलिन को पेश होने के दिन और समय बताएंगे। इस दौरान जैकलिन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पटेल का कहना है कि हमने ईडी के अधिकारियों से मुलाकात और पूछा कि कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जैकलिन के फिजिकली पेश होने के लिए कहा। वकील ने बताया कि हमें आज दोपहर 2:30 बजे तक ईडी के तरफ से मिल आएगा, जिसमें वो जैकलिन को पेश होने का दिन और वक्त बताएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईडी आज ही पेश होने के लिए कहेंगे तो जैकलिन आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होगी। वही दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से फर्नांडिस की उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई है। ईडी ने फर्नांडिस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने इन आरोपों का खंडन नहीं किया है या और कि उन्होंने चंद्रशेखर से 7.12 करोड़ रुपए की गिफ्ट मिले और 1.12 करोड़ रुपए के गिफ्ट श्रीलंका में उनकी बहन को दी गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है। बता दें कि जस्टिस बीवी नरत्न के और जस्टिस अगस्टीन जर्ज माहीस के इस मामले पर सुनवाई दोनों जजों ने अलग अलग फैसले सुनाए। न्यायमूर्ति नागरत्न ने फैसला सुनाते हुए कहा धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर। पीठ ने कहा कि भरण पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की। बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है, अगर गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ हदत। दरअसल हदत एक इस्लामिक परंपरा है, जिसके अनुसार अगर किसी महिला को जुलाई को लखनऊ कार्यालय में तलब किया है। यह मामला रेव पार्टी में सांपों के जहां को नशे के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर जुड़ा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में मई 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। नोएडा में एडवोकेट यादव व अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ दंड शोधन निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई, जिसके बाद लगातार पुलिस एक्शन मोड में। अब ईडी ने नया समन जारी कर एलविश यादव को लखनऊ तलब किया। जानकारी के अनुसार एलविश यादव को इस सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय के लिए ऑफिस में पेश होने को कहा गया था, लेकिन उनकी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद एजेंसी ने 23 जुलाई को पेश होने का समय जारी किया है। हरियाणा से सिंगर राहुल यादव से सप्ताह बजट इंडिया में ईडी ने पूछताछ की। मामले में एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, जो कि कथित तौर पर एलविश यादव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। 13 फरवरी से किसान पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों को राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि दोनों सरकारें कानून व्यवस्था बनाने लगे। कुछ दिन पहले ही शंभू बॉर्डर खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट वसुरंजन शरियल की तरफ से जनहित याचिका लगाई गई थी। इसमें शंभू बॉर्डर NH44 खोलने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि अंबाला के व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। दुकानों पर काम करने वाला स्टाफ और पड़ी रेहड़ी वालों का राहत देने की बात भी याचिका में कही गई थी। इसके अलावा शंभू बॉर्डर से होकर जाने वाले इमरजेंसी वाहनों को अस्थायी रास्ता देने की भी मांग की गई। याचिका में हरियाणा और पंजाब के राजस्व के नुकसान का भी जिक्र किया गया था, क्योंकि रूट डायवर्ट होने से सरकार बसों का दिन का खर्चा बढ़ गया है। पंजाब हरियाणा के वकीलों को आने वाले समस्याओं के बारे में भी याचिका के माध्यम से सरकार को अवगत कराया गया था। इस याचिका में किसान नेता
सरवन सिंह पांडे, जगजीत दल्लेवाल, हरियाणा सरकार।